आज के टाइम में लोग इतने बिजी हो चुके हैं कि उनके लिए अपने गोल पर फोकस करना मुश्किल हो गया है। हमारी लाइफ की वैल्यू तभी होती है जब हमारा कोई गोल हो, कुछ बड़ा लक्ष्य हासिल करने की चाहत ही हमें हमारी कामयाबी तक पहुंचा सकती है। जब हमारा लाइफ में कोई गोल ही नहीं होता है तो हमें समझ ही नहीं आता कि हमें लाइफ में करना क्या है। इसीलिए हमेशा हमारी लाइफ में गोल का होना बहुत ज़रूरी है। जब हमारा कोई गोल होता है तो हम उसको हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और उसे अचीव करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने गोल्स पर फोकस नहीं कर पाते, उन्हें समझ नहीं आता कि आगे करना क्या चाहिए। तो आज हम जानेंगे कुछ ऐसे ही टिप्स जिनकी हेल्प से आप अपने गोल्स में फोकस कर पाओगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, पॉजिटिव थिंकिंग। हमारे लिए पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। जब हम पॉजिटिव सोच रखते हैं तो हम अपने काम को अच्छे से कर पाते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं। जब हम नेगेटिव सोच रखते हैं तो हम समझ नहीं पाते कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, और परेशानियों का शिकार होते जाते हैं। हमारी पॉजिटिव थिंकिंग हमें लाइफ की हर सिचुएशन से निकलने का हौसला देती है ताकि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएं। दूसरा पॉइंट, खुद को परखें। आपको हमेशा खुद को परखने की ज़रूरत है, तभी आप खुद में अच्छाई और बुराई को जान पाएंगे। हमेशा अपनी गलतियों और कमियों को जानने की कोशिश करें और उन गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ें, और ध्यान रखें कि वो गलती दोबारा ना हो। अगर आपने किसी काम को अच्छा किया है तो उसे बेहतर करने की कोशिश करें और खुद में इम्प्रूव लाते रहें। नई नई स्किल सीखें, इससे आपके लिए अपने गोल्स को पाना आसान हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, लक्ष्य निर्धारित करें। आपके लिए सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका गोल क्या है, आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि आपका गोल है क्या, तब तक आप फोकस नहीं कर पाओगे। जब आप अपनी लाइफ में भेड़ चाल चलते हैं, लाइफ में बहुत से गोल रखते हैं, तो आपके लिए एक लक्ष्य पूरा करना मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि पहले अपने गोल के बारे में क्लियर करें, तभी उसी के अकॉर्डिंग लाइफ में उस गोल्स के लिए आगे बढ़ें। चौथा पॉइंट, अपने गोल से जुड़ी सभी चीज़ों पर ध्यान दें। जब आप अपने गोल से जुड़ी सभी चीज़ों पर ध्यान देते हो तो आप अपने गोल को नहीं भूल पाते। तब आपका विज़न क्लियर रहता है और आप अपने गोल्स को पूरा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। जब हम अपने गोल से हटकर कुछ और करने की कोशिश करते हैं तो हमारा ध्यान अपने गोल से हट जाता है। इसीलिए इन चीज़ों से बचें और अपने गोल से जुड़े काम को ही करने की कोशिश करें, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। पांचवा पॉइंट, खुद पर विश्वास रखें। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हर फील्ड में बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपनी लाइफ में सही डिसीजन ले पाते हैं और सही रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तब आप अपने गोल्स पर पूरी तरह से फोकस कर पाते हैं। तब आपको अपनी लाइफ में हर मुश्किल आसान लगने लगती है, आपको भरोसा हो जाता है कि आप कुछ भी कर सकते हो। इसीलिए हमेशा खुद पर भरोसा रखें, तभी आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ पाओगे।